भाजपा शिवसेना एनसीपी और मित्र पार्टी ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार ने हाल ही में अहेरी विधानसभा क्षेत्र से खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम की आधिकारिक उम्मीदवारी की घोषणा की। इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम की अध्यक्षता में पूर्व सांसद एवं भाजपा सदस्य जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एवं चुनाव सभा संचालन समिति के सहसंयोजक अशोक नीति की प्रमुख उपस्थिति में एवं अहेरी विधानसभा क्षेत्र में महासंघ के सम्मानित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ महासंघ की एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया। इस महागठबंधन बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एवं चुनाव सभा संचालन समिति के सह संयोजक अशोक नेते ने महागठबंधन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई विकास उन्मुख कार्य किए हैं। उन्होंने नागरिकों के लिए कई योजनाएं लागू की है और इसके साथ ही विकासात्मक कार्य भी किए हैं। उन्होंने महिला बहनों के सम्मान के लिए महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना लाई है। आगे बोलते हुए पिछले 10 वर्षों में मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं, जैसे रेलवे वर्षा गढ़चिरौली जिले में ब्रॉडगेज सर्वेक्षण लाइन मंसूर चेजडोह कोटकल बैराज मेडिकल कॉलेज कृषि कॉलेज गोंडवाना विश्वविद्यालय सुरजागढ़ लोह परियोजना कोनसारी परियोजना और 14,500 करोड़ के विभिन्न सड़क कार्य जैसे कई विकास कार्य किए गए हैं। क्या इतने विकास कार्य करने के बाद भी हम लोकसभा चुनाव में जनता को बताने में असफल रहे हैं? विरोधियों ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को 8,500 प्रतिमाह खाते के साथ साथ संविधान के बारे में भी गलत प्रचार कर मतदाताओं को गुमराह किया गया, लेकिन अब आने वाले विधानसभा में जीत हमारी होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.